राहुल, मैजिक है कहाँ? जिधर मैजिक होता है उधर सपाट हो जाता है, तो मैजिक कौन सा है? राहुल अपनी सीट नहीं जीत पाते हैं। देश में विकास का विषय है और एक ही नाम है मोदी जी। ने जो देश में विकास किया है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उस पर छत्तीसगढ़ के तमाम मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। तो यहाँ पर केवल एक ही नाम है, विकास। आज आपको लोकसभा कोरबा से लड़ाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? पार्टी ने अवसर दिया, पार्टी को बहुत धन्यवाद है। पार्टी ने जो अपेक्षा है और पार्टी के विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ। मैम, क्या वो फैक्टर्स रहेंगे जिनको लेकर आप कैंपेन में उतरेंगी? देश में विकास का विषय है और एक ही नाम है मोदी जी। ने जो देश में विकास किया है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, और छत्तीसगढ़ के लिए विशेष तौर पर इस क्षेत्र की जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, उस पर छत्तीसगढ़ के तमाम मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। तो यहाँ पर केवल एक ही नाम है, विकास। मैम, असेंबली इलेक्शन में लैंडस्लाइड विक्ट्री रही बीजेपी की, और उसके बाद अलायंस भी काफी जोर मार रहा है लोकसभा के लिए। इस दौरान राहुल गांधी भी यहाँ आए, कैसे देखते हैं? क्या वो फैक्टर काम करेगा, राहुल मैजिक काम करेगा? राहुल मैजिक है कहाँ? जिधर मैजिक होता है उधर सपाट हो जाता है, तो मैजिक कौन सा है? राहुल अपनी सीट नहीं जीत पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है। कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पर कहीं ना उनके पास मुद्दे हैं, ना नेतृत्व है, और अब तो अपने अस्तित्व की लड़ाई में मुझे लगता है कि धीरे धीरे पहचान भी खो रहे हैं। मैम, कुछ अपडेट्स हुए इस बीच देश में, उसके बाद ये बातें आई कि रिलीजियस पोलराइजेशन कर रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी पे यह पहला आरोप नहीं है, यह हमेशा से रहा है, और भारतीय जनता पार्टी तमाम आरोपों को झेलते हुए अपने एक निश्चित, जो इस समाज के लिए जरूरी था, जिस देश के लिए जरूरी था, हमारी आस्था का प्रश्न था, उस पर पार्टी मजबूती से खड़ी रही। आज इतने वर्षों के बाद में अगर हमारी आस्था को बल मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी के कारण मिला है, और आज इसे देश स्वीकार करता है। तो क्या प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कारण ये आरोप लगते हैं? नहीं, राम मंदिर ये हमारी आस्था का प्रश्न रहा है, और किसी की आस्था पे प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता है। यह हर व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होता है।